भी यहाँ आप ही की तरह कैदी की हैसियत से लाए गए हैं। महादेव, ये कौन सी चाल है सरकार की, और दूसरी तरफ सेवाग्राम को उजाड़ने की साजिश। इन अंग्रेजों को समझना आसान नहीं है बाबू। अगर इन्हें हमसे सहानुभूति होती तो हम पर इतनी जातियां क्यों करते। जरूर कोई चाटने को दौड़ता है, और बाहर इतना कड़ा पहरा कि चिड़िया भी नहीं घुस सकती। जरूर इसमें कोई चाल है उनकी। उसकी बीमार पत्नी को एक जगह रखा है, वो भी कोई को खाली कर दिया। तुम्हें पूछना तो चाहिए था कि तुम्हें गिरफ्तार कर कहाँ ले जाएंगे। आप तो हमें यहाँ कुछ दिन रहेंगे, आप दोनों की सेवा टहल करेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा ना। सुशीला देख तो कितने कमजोर हो गए हैं दोनों। यहाँ तो खूब एकांत मिलता होगा चिट्ठी पत्री लिखने के लिए। हाँ क्यों माँ, मेरा जीवन तो बापू और आपके चरणों में समर्पित है। बापू का काम करके मन को बहुत संतोष मिलता है। भगवान तेरे जैसा बेटा सबको दे। अच्छा बा, आप तो हमेशा बेटों की ही तारीफ करती रहती। क्यों, मेरे जैसी बेटी नहीं होनी चाहिए सभी यहाँ? क्यों नहीं, तेरे जैसी तो 10 बेटी भी हर घर में हो तो भी कम है। तू तो हीरा ही हीरा पूरे 16 कैरेट का। बेटा तेरा काम तो दुगना हो गया। अब तक तो बापू की सेवा टहल करता था, अब सरकार ने तेरी बात को भी याद दे दिया। तो ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तेरी बात की तबीयत ठीक नहीं लगती है, जेलर से कह के ठीक ठीक व्यवस्था कर।